कटोच वंशज के राजा संसार चंद के जमाने से स्थापित मुरली मनोहर मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की खासियत को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मुरली मनोहर मंदिर में सैकड़ों साल पहले से श्री कृष्ण की मूर्ति पर बांसुरी विपरीत पकड़ी गई है, जिसका रहस्य बरकरार है। क्योंकि यूं तो अक्सर आपने भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में बांसुरी की सीधी दिशा में बजाते हुए देखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर डीहरा में एक ऐसा श्री कृष्ण का मंदिर मौजूद है जो मुरली मनोहर मंदिर के नाम जाना जाता है। कटोच वंशज के राजा संसार चंद के जमाने से स्थापित मुरली मनोहर मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की खासियत को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मुरली मनोहर मंदिर में सैकड़ों साल पहले से श्री कृष्ण की मूर्ति पर बांसुरी विपरीत पकड़ी गई है, जिसका रहस्य बरकरार है। क्योंकि यूं तो अक्सर आपने भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में बांसुरी को सीधी दिशा में बजाते हुए देखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टिहरा में एक ऐसा श्री कृष्ण का मंदिर मौजूद है जो मुरली मनोहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर से कटोच वंश से ही होली मेला का आगाज श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाल लगाकर किया जाता था, और महाराजा संसार चंद के साथ रानियां ऐतिहासिक चौगान में होली खेलती थी, और आज भी करीब 400 साल से चली आ रही परंपरा को निभाया जाता है। और मंदिर से ही विधिवत पूजा अर्चना करके ही राष्ट्रीय स्तर होली का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुरली मनोहर मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं, जो कि अपने आप में रहस्य समेटे हुए हैं। बांसुरी के दूसरी दिशा में पकड़कर बजाने के पीछे महाराजा संसार चंद के समय से कथा जुड़ी हुई है, जिसमें कहा जाता है कि जिस समय मुरली मनोहर मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, तो महाराजा संसार चंद ने पुजारियों से कृष्ण की मूर्ति की ही स्थापना करने पर सवाली निशान खड़े किए और कहा कि अगर सुबह तक मुझे जवाब नहीं मिला तो सभी पुजारियों के सिर काट दिए जाएंगे, जिस पर पुजारी रात भर चिंता में रहे। लेकिन जब सुबह मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को देखकर दंग रह गए और देखा कि बांसुरी दूसरी दिशा में घूम गई थी। पुजारियों ने बताया कि महाराज शाम के समय बांसुरी की दिशा सीधी दिशा में थी, लेकिन अब यह बांसुरी की दिशा विपरीत हो गई है। इसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मौजूद होने का सबूत मिलता है। इसी करा अंदर पहले कैमरे चलो बड़ी हो गई जो तो कटोच वंश के राजाओं के कुल पुरोहित रवि अवस्थी ने बताया कि मुरली मनोहर मंदिर सुजानपुर में तीन मूर्तियां स्थापित हुई हैं और मुख्य मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की बांसुरी विपरीत दिशा में है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में अकेले सुजानपुर में ही ऐसा मंदिर है जहां पर ये स्थापित है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा संसार चंद के समय में करवाया गया था, और उस समय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना सच्चे मन से करने पर हर मुराद पूरी होती है। मंदिर की जो लगभग ये भगवान कृष्ण की वैसे तो इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है, साउथ इंडिया में है कुछ मूर्तियां, और ये जो बंसी का इतिहास है बोलते हैं खुद ब खुद ये बंसी घूमी थी, और भगवान कृष्ण का बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और यहाँ पे लोगों में आस्था है, भक्ति है लोगों में, लोगों के कई जो जिन्होंने प्रार्थना की मांगा वो मिला, भगवान ने अपनी आस्था से दिया, जिन्होंने आस्था से मांगा प्रेम भक्ति से मांगा दिया, जो भी मनोकामना मांगता है यहाँ पे पूरी होती है भगवान की कृपा से, और कोई भी खाली भगवान के द्वार से नहीं जाता है, तो इसलिए ये पूरे विश्व में ऐसा मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी जो इस प्रकार की है। पर ये जो है मेमोरी जो है प्राचीन समय में जो है 1905 से पहले की बातें हैं ये, तो हमने भी बातें सुनी, बुजुर्ग लोग कहते थे कि भी जो मुरली है अपने आप सज्जे से खब्बे तरफ को चली गई थी, जो कि मतलब भक्तों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के बात कही गई थी कि भगवान में मूर्ति है, पत्थर है, मूर्ति है, इस प्रकार से कई प्रकार की चर्चा होती थी, तो
जो पुजारी थे प्राचीन, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति जो है इसका प्रमाण आपको कल सब सारे समाज को मिल जाएगा। तो कहते कि अपने आप बंसरी जो है दूसरी तरफ को घूम गई थी, तो इसका जो है पूजन करने मात्र से कई पाप नष्ट हो जाते दुनिया के। नमस्कार जी। स्थानीय निवासी राजन मेहता ने बताया कि मुरली मनोहर मंदिर 1 लाख टकिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण महाराजा संसार चंद के समय 1 लाख रुपए से करवाया गया था, जिसको देखकर उस जमाने की याद ताजा हो जाती है। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर बेहतरीन नकाशी की गई है और मंदिर की सजावट इस तरीके से हुई है कि भगत जन आकर भक्ति में हो जाते हैं। सुजानपुर का ऐतिहासिक मंदिर मुरली मनोहर मंदिर अपने आप में ही एक जो है मशाल है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षण करता है, जिसके जो गोविंद हैं, जो बड़े बड़े गोविंद हैं वो देखने के लायक हैं, जो कलाकारी इसमें महाराज संसार चंद द्वारा की गई है वो अत्यंत ही अद्भुत है। इस मंदिर में विशेषता ये है कि ये मंदिर लाख रुपये द्वारा राजा संसार चंद द्वारा बनाया गया था, और दंत कथा के अनुसार इसे लखे का मंदिर भी इसे कहा जाता है। इस मंदिर के अपने आप एक जो अद्भुत घटना इस मंदिर में जो घटी थी, जब राजा संसार चंद ने ये महल बनकर तैयार हुआ था, तो इस मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर के पुजारी ने महाराज संसार चंद को आमंत्रित किया, तो महाराज संसार चंद ने मंदिर द्वार पर जाकर कहा था कि इस मंदिर की प्राण इस मूर्ति में डले हैं कि नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए महाराज संसार चंद ने मंदिर के पुजारियों से कहा कि मंदिर में यदि प्राण प्रतिष्ठा भगवान के अंदर होती है तो मुझे इस बात का सबूत चाहिए, यदि नहीं हुआ तो मैं आपके द्वारा आपको दंडित करूंगा। तो रात भर पुजारियों ने सोचकर सारी मतलब जो राजपुरोहित थे वो बहुत ही संकट में आ गए। जब सुबह उठे तो मंदिर की आस्था के आगे भगवान जब कला प्रेमी थे राजा संसार चंद, उनके माध्यम से और उनका लगाव जो भगवान की तरफ था, तब सुबह उठे और मंदिर के पुजारियों ने जब भगवान के दरबार खोले नियमानुसार, तो उन्होंने पाया कि भगवान की जो बांसुरी थी वो उल्टी दशा में विराजमान हो गई थी, और जिसको देखकर सब लोग हैरानी जताना शुरू कर गए थे और नगर में चर्चा का भी विषय बना। आज भी अगर आप देखें तो वो मूर्ति आज भी वैसे की वैसी जो मुरली मनोहर मंदिर की उल्टी दिशा में जो बांसुरी लगी हुई है, वो आज भी वैसी की वैसी जो मूर्ति है वो लगी हुई है, और देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जो मूर्ति है वो कहीं भी इस संसार में बांसुरी कृष्ण ने उल्टी दशा में नहीं बजाई है, चाहे वो राधा कृष्ण का मथुरा में कृष्ण भगवान रहे हैं, या किसी भी संसार में ऐसी मूर्ति आपको कहीं भी विराजमान नहीं मिलेगी जिसकी बांसुरी की जो साइड है वो राधे की ओर की गई है, और है वो काले रूप में दर्शाए गए हैं, और राधा जो है वो गोरे रंग की जो दर्शाई गई है, और ये मूर्ति जो है अष्ट धातु की बनाई गई है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। शालिग्राम की मूर्ति है और ये